गांव मांगना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि शुरुआती कार्रवाई में पुलिस को महिला का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें महिला ने अपने पति, सास ससुर और देवर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतक महिला की शिनाख्त ऋतु उम्र 25 साल मांगना वासी के रूप में हुई है। वहीं महिला के परिजनों ने भी ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी के इलाज में लापरवाही बरतने, तलाक के लिए दबाव बनाने, वहीं दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। अब आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद शुरू की जाएगी। लड़की को टॉर्चर करके मार दिया गया है। कई दफ़ा बीच में पंचायतें भी हुई, पंचायतों में जो फैसला हुआ था कि लड़की यहाँ रहेगी, उसको हर तरीके की सुविधा दी जाएगी, और उन्होंने उनको कोई खाने का, कोई मेडिकल, कोई दवाई बूटियाँ कुछ नहीं दवाई, जिससे वो लड़की मेंटली डिप्रेशन में आ गई और वो जो है उन्होंने अंदर उसको बंद कर दिया और उससे मार दिया। यहाँ शादी हो रही हमारी दो बहन की, मेरी बड़ी बहन सरू स्टार्टिंग ते ही ना टॉर्चर कर रखी है, परेशान कर रखी है, मारपीट करे करा थे, दहेज बिदल भी करे करा थे, और उसका छोरी हो गई थी, ज्यादा भी टॉर्चर करे करा थे, हमने नफरत होगी ज्यादा, दहेज जमा दहेज बिदल तो आज भी करे करा थे, हमने छोरी हो पाथे नफरत हो।